आज बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अच्छी फिटिंग की कुर्ती कैसे बनाएं, चाहे वो अम्ब्रेला कटिंग की कुर्ती हो, चाहे अंगरखा कटिंग की कुर्ती हो, चाहे फ्रॉक टाइप की कुर्ती हो, चाहे सिंपल कुर्ती हो। देखिए, एक फिटिंग का तो हमारा ये वाला निशान होता है, इस निशान को हम दूसरी साइड उतारेंगे। एक ये देखिए ब्रेस्ट का, एक वेस्ट का और एक हिप का। अब सबसे पहले हम इन लाइनों को दूसरी साइड भी ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, और फिर वेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हिप की ड्रॉ करेंगे। ये करने के बाद ये हमने कट लगाया, यहाँ से हम लाइन लगाएंगे। अब ये देखिए, ये हमारी ब्रेस्ट थी, ये हमारी वेस्ट है, सवा आठ, सवा आठ पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। हिप है हमारे 10.25 इंच, तो हमने यहाँ निशान लगा दिया। अब ये देखिए, फिर इन निशानों को एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, एक तो हमारे फिटिंग के निशान ही हो गए, ये दोनों साइड हो गए। आपको कई लोगों को और अच्छी फिटिंग चाहिए होती है, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कई लोग डार्ट डालते हैं, फ्रंट में भी डालते हैं, बैक में भी डालते हैं, लेकिन मैं आपको बैक में डालकर दिखाऊंगी। अब जो मैं आपको निशान लगाना सिखा रही हूँ, इसके लिए आपको जिस भी कस्टमर का आप सूट सिल रहे हैं उसका ब्रेस्ट पॉइंट चाहिए। जैसे हम ब्लाउज में डार्ट लगाते हैं, जो हमें उसमें नाप चाहिए होता है वही इसी में चाहिए होता है। तो हमारी कस्टमर का जिसका ये सूट है उसका ब्रेस्ट पॉइंट है 10.5 इंच, तो हम ऊपर से लगाएंगे 11 इंच, 11 इंच पे निशान लगाएंगे। अब चौड़ाई में लगाएंगे हम 3.5 पे निशान, ये 3.5 पे लगाया, और एक निशान इधर भी 3.5 पर लगाएंगे। अब एक लाइन बनाएंगे हम, ये देखिए, ऊपर से नीचे तक 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसी तरीके से हम बैग में भी निशान लगा लेंगे, इंची टेप से कर रही हूं। ये हमारा एक साइड निशान लग गया। अब ये देखिए, हमारी दूसरी साइड भी निशान आ गया। ये देखिए, अब ये निशान लगा लिया। अब मैं इसमें आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए मशीन पर। ये हमारी अस्तर वाली शर्ट थी, ये देखिए मैंने इसमें अस्तर अटैच कर लिया है। अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगी कि डार्ट इसमें कैसे डालेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों डार्टों पे एक एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी अस्तर वाली कुर्ती है, इसलिए हमें सीधी सिलाई लगानी है। अगर हमारी अस्तर वाली कुर्ती नहीं होती, बिना अस्तर की होती, तो हमें ये सीधी लाइन लगाने की जरूरत नहीं थी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम इंची टेप रखेंगे ऊपर वाले निशान पर, ये देखिए। और ये हमारी डार्ट की जो लंबाई है 8 इंच है, तो हम इसका सेंटर लेंगे। ये हमने 4 इंच का निशान लगाया, 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा निशान लगाएंगे। ये 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा का निशान लगाया। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए इन निशानों को, इनको ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से, और फिर इंची टेप को लेंगे, लंबी लाइन खींचेंगे, ये देखिए, और फिर इसी तरीके से नीचे रखेंगे, ये देखिए ऐसे। अब मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे ऊपर वाले निशान से,
पहले पका था ये। और फिर जो ये हमारा कोना था इसको थोड़ा राउंड में लेंगे। पक्का करके सिलाई को उतार देंगे। ये देखिए ये हमारी एक डार्ट डल गई, ये इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखिए प्रेस करने के बाद ये डार्ट दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन ये डार्ट डालने से हमारी कुर्ती में फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इसी तरीके से हम दूसरे में भी डार्ट डाल देंगे। दोनों डार्ट डाल लिए, अब इन पे प्रेस करेंगे। इन डार्ट का डायरेक्शन हम अंदर की साइड रखेंगे। ये देखिए इस वाली को भी अंदर कर लेंगे। अब सीधा करेंगे, अब सीधी साइड भी प्रेस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी डार्ट डल चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। और इसमें तीन ऑप्शन आते हैं तो आप ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।